everyone, happy new year, welcome back to my channel. आज है 1st January 2023. तो आप लोगों ने क्या क्या रिजोल्यूशन लिया है मुझे कमेंट करके बताना. मैंने तो इस बार कोई रिजोल्यूशन नहीं लिया है कि पिछले कई सालों से रिजोल्यूशन लेते आ रहे हैं जो कि कभी कम्प्लीट नहीं हो पाते. तो इस साल जैसा चलता है फ्लो के साथ चलते रहते हैं, भगवान करे जो भी हो वो अच्छा ही हो. एंड अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल, जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग मॉल जाएंगे. पता नहीं क्यों, सो यस, पता नहीं क्यों क्या, साल के पहले दिन शॉपिंग करेंगे तो पूरा साल शॉपिंग करते रहेंगे. एंड सब लोग रेडी हो गए हैं. आई डोंट नो अभी कौन कौन जा रहा है, तो चलते हैं फिलहाल, देखते हैं नीचे कौन कौन आ रहा है. एंड उदयपुर से आके मेरी उदयपुर जाते टाइम में मेरी स्किन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी. तो फिर मैंने इस बार सोचा, मतलब सोचा क्या, मैंने उदयपुर के बाद से अभी तक अपने फेस पर कोई मेकअप अप्लाई नहीं किया है बिकॉज मुझे अपनी स्किन थोड़ा ठीक करनी है आजकल. सो यस, वाट लगी पड़ी थी, क्लीन अप करा लिया था मैंने अभी थोड़े दिन पहले, मैंने उस टाइम व्लॉग नहीं बनाया, आधा क्लीन अप कराया था. तो उसके बाद से मैंने कुछ मेकअप अप्लाई नहीं किया. तो आज भी मैं कुछ नहीं लगा रही, सिर्फ बोरो प्लस लगा रखा है मैंने अपने मुंह पे और लिपस्टिक लगा लिया एंड वी आर रेडी. तो चलो चलते हैं एंड नीचे सबसे मिलाती हूँ आपको. भैया पीछे दिख गया है तो अच्छी बात है. भैया को पता नहीं क्यों मेरे व्लॉग में आना पसंद नहीं है, उसको शर्म आती है. ओके भैया, मेरा काम कर देना, मैं जा रही हूँ, बाय. घर के कुछ लोग, आप रेडी हैं सर? और मम्मी और मौसी की पता नहीं क्या गुगली चल रही है. ओह, और ये आपके बगल में कौन खड़ा है, ये हम लोग निकल गए हैं मॉल जाने के लिए. बहुत सारे प्लान चेंज होने के बाद फाइनली हम लोग सुभाष नगर वाले जा रहे हैं. पहले हमने सोचा था गाड़ी नहीं लेके जाते हैं, मेट्रो से ही चले जाएंगे, पर अब गाड़ी है तो लेके जाते हैं. और मौसी लोग तो ये वाली गाड़ी ले आए, तो हम मौसी आज वैगनार ले जाएं या बुलेरो ले जाएं? आज हम बुलेरो नियो ले जाएंगे. बुलेरो नियो लेके जा रहे हैं. बहुत अच्छा है बेटा, ये तो बहुत बड़ा लगा मुझे बेटा, बहुत. हाँ फिर ऐसे नियो करना चाहिए, पानी की बोतल लेके जानी चाहिए हमेशा. तो जो बेटा यार ये तो सेम है. यहाँ भीड़ देखो जरा, पैसे आज के दिन अभी तो हम आधे में ही उस साइड तो और भीड़ हो रही होगी, बट हमको तो यहाँ जाना है. अभी यहाँ से दिखाती हूँ, इतनी अंदर कितनी भीड़ होगी यार, बाहर इतनी भीड़ है तो चलते हैं मॉल के अंदर. हाय हर्षु, हर्षु तेरे पीछे का आई. अरे बस ये करने के लिए वाइड एंगल पे बनवाया, मजा आ रहा है इसमें. ये दिखाना, ये मतलब मैंने सिर्फ डेकैथलॉन से शॉपिंग करी है और एक दो तीन बैग भर के ये रहा लंबा चौड़ा बिल. भीड़ देखो, हम लोग आ गए हैं मैक्स में और यहाँ पे ऑफ है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ, मैं कपड़े लेने वाली हूँ. इसका इनका प्राइस कितना है, ये मोटे हैं यार उससे. चलो तो वो घर पे पैक करना हो गया. देखो भी ये सारे लोग ऐसा खड़े हैं. ओह माय गॉड, मुझे तो तगड़ी वाली भीड़ हो रही है, लाइक लिटरली. देखो भाई, न्यू ईयर और 31st के दिन तो कभी नहीं आना चाहिए मॉल, इतनी भीड़ होती है. एंड मैंने ले लिया है चॉकलेट कसम, मैं इसको खाऊंगी, सो एक्साइटेड. बट ओम के बिना खा नहीं सकते वरना वो गुस्सा जाएगा, तो नीचे जाके खाएंगे. पापा लोग जा चुके हैं, इनको अभी भी लाइफ स्टाइल में जाके शॉपिंग करनी है, सो चलते हैं. एक लास्ट टाइम यहाँ पे जाते जाते भीड़ देख लो यहाँ. अब हम लोग चलते हैं, अंधेरा हो चुका है बाहर शायद से. हो चुका. कैसा लगा घूम के मौसी? मेरे लोग इतनी फोटो खिंचा रहे हैं, मेरे को लगता है कि लोग फोटो खिंचा के बाहर.
मॉल में आके फोटो खींचने का मन सिर्फ दोस्तों के साथ करता है, घर वालों के साथ घर वालों के साथ शॉपिंग करने का मन करता है ना, क्योंकि पैसे तो वही देने वाले हैं दोस्तों के साथ, क्योंकि पैसे खर्च कर नहीं सकते तो सिर्फ फोटो खींचते रहते हैं। अब हो गए हम बाहर पैसिफिक, बहुत सारे टिकटॉकर और रीलर्स यहाँ पे रील्स टिकटॉक्स बनाते थे, मतलब अब तो टिकटॉक नहीं है बट अब रील्स है तो बहुत सारी रील्स बनती रहती है और सैटरडे संडे तो भाई कोई कुछ हो या ना हो फिर भी पैसिफिक में हमेशा भीड़ होती है। डेढ़ बार है बाय बच्चू, एक्सीडेंट होते होते रह गया है। हम लोग गाड़ी में आ गए बहुत मुश्किल से, टूर की गाड़ी किस्सा खोलेंगे, पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं। आए क्या बता क्या हुआ? मेवल नहीं देखेगा, चल बता। ओमु ने नया जैकेट लिया और उसको पहन भी लिया। माय गॉड स्टाइल। ये डी के एथलॉन से लिया ओमु का। जब मैं ट्रिप में गया था तो मेवल कट्टी भी आया था, मतलब मैं बैठा था तो So guys, अभी हम लोग हैं महावीर एन्क्लेव साइड। ऐसे नहीं तो बनना चाहिए ना, कभी कुछ ऐसे हादसा हो सकता है। उसने क्यों बोला फिर उसको गुंडे, तो गुस्सा हो गया। अरे वो तुम्हें गुस्सा नहीं हो रहा ना, साजा हंस रहा था वो। हम लोग अभी यहाँ पे हैं तो हम लोग यहाँ पे रोल खाने के लिए आए हैं। आई डोंट नो क्यों बट कोई नहीं, हम लोग रोल ले रहे हैं, काठी रोल लेंगे। बहुत टाइम बाद कब से काठी रोल नहीं खाया है। मौसी तो पता नहीं कुछ नहीं खाएगी, मैं सो जा बेटा सो जा। एंड चलते हैं, आप चलते नहीं है, रुके रहते हैं और कुछ खाएंगे। Goodbye. अभी है नेक्स्ट दिन सुबह सुबह का टाइम और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चावल का चीला। अब इसको पलटते हैं, आई डोंट नो पलटेगा या नहीं बट ये सब लोग जा चुके हैं कैंटीन, घर पे सिर्फ मम्मी और मैं और ओम है। मम्मी लगा दी झाड़ू, ओम पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है एंड मैं बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ता सबके लिए। पलटते हैं इसको, चलो बताओ पलटेगा या नहीं। पलट गया, चल पलटेगा या नहीं। आई लव चावल का चीला या डोसा या कुछ भी बोलो आप इसको। इसमें मैंने सिर्फ चावल का आटा, पानी, नमक, जीरा पाउडर, धनिया और लाल मिर्च डाला है बस। इसमें ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे, इतने से ही बना देती हूँ। एंड रेडी, ये पूरा चावल का आटा नानी लेके आई थी घर से। सो यस, मेरा एक चीला टूट गया, पता नहीं तुम में से किसने नजर लगाई बट एक सही से बना है। सी लोग गई थी कैंटीन, देखना कैसा लगा कैंटीन जाके, बहुत मजा आया था। मजा आया था, मेरे को शॉपिंग, ये भी ले लो वो भी ले लो, तो अब ये भी ले लो वो भी ले लो के चक्कर में मौसी सोचो क्या कर लेके आई है। एक बैग भरा आया पूरा, ये दो बैग, तीन बैग, चार बैग, पांच बैग, छह बैग एंड देन दिस इज जूसर। ये यहाँ के लिए नया जूसर आया है, आज आ गया एक फिलिप्स का नया जूसर यहाँ के लिए। हम लोग सिर्फ जूस पीते रहेंगे। ओके तो मौसी व्हाट इज ऑल दिस सामान, मौसी जाएगी और नमकीन ना लाए ऐसा तो हो नहीं सकता। इसमें नमकीन है, इसमें नमकीन है, ये नमकीन है, सब लाती है मौसी। मौसी ईयरबड्स क्यों लाए, बहुत रखे हुए। बाय एवरीवन, और कैसा लगा वीडियो बताना
और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, और नहीं लगा तो भी सब्सक्राइब करना, अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर नहीं भी लगा तो भी लाइक करना और कमेंट करना है ये वीडियो कैसा लगा। और बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं कैसा लग रहा हूँ।